नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरनीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फॉरेस्ट्री के अंदर हाइट मेजरमेंट क्या होता है। हाइट मेजरमेंट आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हाइट मेजरमेंट के बारे में हमने जिसकी जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था। आज हम हाइट मेजरमेंट के अंदर इसकी जो प्रमुख विधियाँ थी उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी कौन कौन सी मेथड थे उनके बारे में हम दो मिनट के अंदर फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हाइट मेजरमेंट की जो मेथड थे इन मेथड के बारे में हमने पिछले सेशन में इसके जो भी ऑब्जेक्टिव थे और इसके प्रमुख जो भी हमारे मेथड थी उन मेथड के बारे में हमने देखा था और उनके अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं उनके बारे में भी हमने देखा था। हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे पर्टिकुलर एक मेथड के बारे में, देखेंगे कि किस प्रकार से हम हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइट मेजरमेंट। तो हाइट मेजरमेंट पिछले सेशन में हमने देखा था कि जो हाइट मेजरमेंट होता है ये हम इसके जो विधियाँ होती है वो कितनी विधियाँ होती है, तो तीन विधियाँ होती है। कौन कौन सी होती है तो मैं उनका शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। पहली जो मेथड होता है वो होता है ओक्यूलर मेथड। कौन सा मेथड होता है? ओक्यूलर मेथड नंबर फर्स्ट होता है। ओक्यूलर मेथड नंबर सेकंड होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड नंबर थर्ड होता है इसके अंदर नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है ना। इनके क्या अभी आप नाम याद रखना, इनके बाद में अंदर भी इनके और अलग अलग मेथड है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जो हमारे ये तीन मेथड होते हैं ओक्यूलर मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड और नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल और एक होता है बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये इनका और अंदर इसके टाइप होते हैं और इनके अंदर भी और अलग अलग प्रकार होते हैं, वो हम जब इंस्ट्रूमेंटल मेथड पढ़ेंगे तब उसके अंदर डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड आता है, ये कितने प्रकार का होता है तो ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है इसके अंदर शैडो मेथड और एक होता है इसके अंदर सिंगल पोल मेथड और एक होता है इसके अंदर साथियों एक होता है इसके अंदर पेंसिल मेथड, ठीक है ना। पेंसिल मेथड ये तीनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये ओवरऑल होता है हाइट मेजरमेंट निकालने के मेथड होते हैं, ठीक है ना। और हाइट मेजरमेंट हम क्या करते हैं तो इसका जो मेन उद्देश्य जो पर्पज होता है वो हमारा जो हमने हाइट में जब हमने फॉरेस्ट मेजरमेंट स्टार्ट किया था तब मैंने आपको चार प्रमुख पर्पज बताए थे। उन पर्पज के उद्देश्य की पूर्ति उन पर्पज के पूर्ति करने के लिए या उनको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उन उद्देश्यों को, उसके लिए हम हाइट मेजरमेंट करते हैं, डायमीटर मेजरमेंट करते हैं, इसके अतिरिक्त एज मेजरमेंट, ग्रोथ मेजरमेंट और एक करते हैं हम वॉल्यूम मेजरमेंट। इनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है, ये हमने पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे इन तीनों मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक मेथड के बारे में हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओक्यूलर मेथड क्या होता है। ओक्यूलर मेथड इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आप भी अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठना और सभी सबसे पहले इधर ध्यान देना। पहले हम एक एक मेथड को समझेंगे, उसके बाद में इसकी जो थ्योरी होगी वो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दूंगा, तो आप उसको अपने हिसाब से उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा हमारा कौन सा मेथड, ओक्यूलर मेथड। ओक्यूलर मेथड जो होता है इसको हम एक तरह से यह कह सकते हैं कि यह विजुअली मेथड होता है, यानी कि किसी वृक्ष को इसका अगर आपसे सीधा सीधा अर्थ पूछा जाए ओक्यूलर मेथड का अर्थ क्या होता है, तो ओक्यूलर मेथड का अर्थ होता है किसी भी वृक्ष को देखकर उसके अनुमानित उसकी जो किसी भी वृक्ष को देखकर उसकी अनुमानित ऊंचाई बताना हमारे ओक्यूलर मेथड के अंदर आता है। इसको हम विजुअली मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो जो ओक्यूलर मेथड होता है तो ये क्या होता है, तो किसी भी वृक्ष की अनुमानित ऊंचाई बताना, अनुमानित ऊंचाई बताना वो किसके अंदर आता है, तो वो आता है हमारा ओक्यूलर मेथड के अंदर। ये क्या होता है उसको अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मैं फॉरेस्ट बना रहा हूँ, ये हमारा एक फॉरेस्ट है, इसके अंदर हमने अलग अलग ऊंचाई के दो पंक्तियों के अंदर वृक्ष लगा रखे हैं, ठीक है ना। दो अलग अलग पंक्तियों के अंदर हमने अलग अलग स्पीसीज के यहाँ पर हमने फॉरेस्ट ट्री लगा रखे हैं। ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है ना। ये हमारा ट्री हो गए, ये एक मान लीजिए ये एक हो गया हमारा क्या फॉरेस्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्या होगा, एक हमारा फॉरेस्ट हो गया। ये आपको कल्पना करना, इमेज करना है। अब मान लीजिए आप वन अधिकारी हैं, कोई सा भी मान लीजिए आप वन अधिकारी है, इमेज करिएगा, गांव का एग्जांपल बताने वाला हूं मैं। आप कल्पना कीजिए कि आप दो गांव के अंदर आपका मित्र और आप दोनों अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है ना। इसमें से एक का नाम तो है सोनू, एक का नाम तो क्या है सोनू, और एक का नाम है दूसरे का नाम है मोनू, ठीक है ना। एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मोनू, ये दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। इसमें से जो सोनू है, ये सोनू ने अपने गांव के अंदर एक फॉरेस्ट लगा रखा है, और ये फॉरेस्ट कौन सा लगा रखा है आर्टिफिशियल इसने फॉरेस्ट लगा रखा है। कौन सा फॉरेस्ट लगा रखा है, किसने लगा रखा है, तो सोनू ने अपने गाँव के अंदर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगा रखा है। और उस गाँव का नाम मान लीजिए आप, गाँव का नाम हो जाएगा यहाँ पर हमारा कोई भी गाँव का नाम याद रख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हो जाएगा हमारे ABC करके कोई गाँव है, ABC करके एक कोई गांव है। उस गांव के अंदर सोनू और मोनू दोनों अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, जिसमें से सोनू तो क्या है, एक किसान है, सोनू क्या है तो एक किसान है,
ठीक है ना। सोनू एक किसान हो गया और मोनू जो है ये एक हमारे वन अधिकारी है, ठीक है ना। कोई भी अब वन अधिकारी भी अलग अलग रेंज के होते हैं, उनमें से किसी भी श्रेणी के अंदर या रेंज के अंदर ये मोनू है जो वन अधिकारी है, दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। अब जो सोनू है, सोनू को क्या है कि पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है या उसको आर्थिक लाभ कमाने की बहुत ज़्यादा उसको जल्दी है, और साथ ही साथ में वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है। और मोनू ने क्या कर रखा है, सॉरी सोनू ने क्या कर रखा है, तो अपने जो फील्ड है फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगा रखा है। अब मोनू चाहता है कि सॉरी सोनू चाहता है कि मैं इस जो फॉरेस्ट लगा रखा है इनमें से मैं कुछ वृक्षों की उनको काट कर और उनको बेचकर मैं आर्थिक लाभ तुरंत प्राप्त करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, सोनू है जो मोनू को बोलेगा कि मोनू तो आप ये मोनू एक वन अधिकारी है, ये बोलेगा कि मेरे को जो मैंने फॉरेस्ट लगा रखा है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट गाँव के अंदर, उसमें से आप मेरे को ऐसे वृक्षों का चयन कर दीजिए जिसको मैं काट कर बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कमा सकूँ, आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकूँ। और उसके लिए ये मोनू क्या करेगा, तो मोनू फील्ड में जाएगा और फील्ड में जाने के बाद में जितने भी ये वृक्ष लगे हुए हैं इन वृक्षों को पर्टिकुलर देखेगा, और देखने के बाद में ये इन वृक्षों की एक अनुमानित उनको ऊंचाई बता देगा, किसको, सोनू को। मोनू है जो इस फील्ड को देखने के बाद में फील्ड में जो वृक्ष है इनको देखकर एक अनुमानित वृक्षों की ऊंचाई बता देगा कि इसमें से मान लीजिए मोनू ने अपने आधार पर चयन कर लिया जो बीच वाला ये वाला जो वृक्ष है, इस वाले वृक्ष की ऊंचाई 25 मीटर है, इस वाले वृक्ष की 35 मीटर है, इस वाले वृक्ष की है 35 मीटर है, और इस वाले वृक्ष की है 35 मीटर, और इस वाले वृक्ष की 35 मीटर, ठीक है ना। ऐसे कुछ अनुमानित तो उसने अपने आधार पर ऊंचाई बता दी, और ये ऊंचाई जो हो सकता है कुछ इसमें डिफरेंट आ जाए, दो पाँच मीटर का डिफरेंट आ जाए, वो कोई इशू नहीं, ठीक है ना। और ये जो मोनू ने जो ये सारे अनुमानित जो अपने आधार पर यह जो ऊंचाई बताई, ये किसके आधार पर बताई है, तो अपने अनुमानित यानी कि मोनू एक वन अधिकारी है, तो उसने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि वन के अंदर इसने खुद एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और तो उनके आधार पर उसने एक अनुमानित वृक्ष की ऊंचाई बता दी, जिसके आधार पर वो क्या करेगा, तो मोनू है जो सोनू को बता देगा मैंने अपने आधार पर इनमें से 20 वृक्ष लगा रखे थे, उसने तो 20 वृक्ष में से मैंने 5 ऐसे वृक्षों का चयन किया है जो कि मेरे आधार पर इनकी लगभग सेम ऊंचाई होगी, तो आप इसको काट कर इनको बेच सकते हो और आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो ये अब जो पूरा जो सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है, ये किसके अंदर आता है, हमारे ओक्युलर मेथड के अंदर आता है, ठीक है ना। तो उम्मीद अब आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि ओक्युलर मेथड किस प्रकार से काम करता है, और इसमें वृक्ष की केवल क्या बताई जाती है, अनुमानित ऊंचाई बताई जाती है, और इसके अंदर वृक्ष की हम फिक्स ऊंचाई नहीं बता सकते क्योंकि इसमें हम किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट उपयोग में नहीं लेते हैं, और केवल इसमें फिक्स हम ऊंचाई बता देते हैं। और ये जो ऊंचाई बताई जाती है इसमें वृक्षों की, ये एक हम कह सकते हैं तुरंत हम किसी भी वृक्ष की ऊंचाई का अनुमानित उसकी ऊंचाई बता सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज ये भी हो सकता है कि अगर हमें कम समय के अंदर अधिक लाभ प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी अगर ऊंचाई का मेथड आपसे पूछा जाए कि कम समय के अंदर अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप किस मेथड का चयन करोगे, तो वो हो जाएगा हमारा ओक्युलर मेथड, जिसको तुरंत वृक्ष को देखा और बता दिया कि इसकी 10 मीटर ऊंचाई है, इसको काटो और बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर लो। ये होता है हमारा ओक्युलर मेथड। अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम इसके जो मेन और की पॉइंट है वो हम देखते हैं, जो इसके मेन की पॉइंट है वो देखते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसके बेनिफिट क्या है। ये तो मैंने बता दिया कि ओक्युलर मेथड किस प्रकार से कार्य करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है ना। ये सोनू और मोनू का एग्जांपल याद रखना, आप केवल एग्जाम में सोनू और मोनू याद रखना, बाकी आपको ऑटोमेटिक माइंड के अंदर ये पिक्चर सेट हो जाएगी, ठीक है ना। ये होता है हमारे ओक्युलर मेथड। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अब हम इसके अंदर देखते हैं ओक्युलर मेथड के एडवांटेज, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या है इसके, ठीक है ना। इसके बेनिफिट्स या फिर इसके लाभ क्या है, तो सबसे पहला तो इसका बेनिफिट हो जाएगा तुरंत वृक्ष की ऊंचाई का पता लग जाता है, तुरंत वृक्ष की ऊंचाई का पता लग जाता है, यानी कि हम वृक्ष को देखते ही बता देते हैं कि इसकी ऊंचाई 10 मीटर होगी, 15 मीटर होगी, वो तो तुरंत इस वृक्ष को देखकर हमें क्या पता चल जाता है, इसकी ऊंचाई का पता लग जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा इसमें, समय क्या लगता है, कम लगता है। दूसरा एडवांटेज होगा समय कम लगता है, यानी कि इसमें पता चलता है तुरंत वृक्ष की ऊंचाई बता देते हैं, तो यानी कि समय कम लगेगा, तो हम तुरंत उसकी ऊंचाई का मापन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बात करें इसमें किसी भी प्रकार का उपकरण काम में नहीं लेते हैं, तो वो एक हमें जो उपकरण ऊंचाई के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन उपकरणों का जो खर्चा होता है वो हमारे नहीं लगता है, तो इसमें हम कह सकते हैं ये सस्ती विधि है, ऊंचाई मापन की सस्ती विधि, जिसमें हमें किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। ये इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं और अपने आप आधार पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बात करें आप इसके हानि की बात करें और ये जनरली जो ओक्युलर जो मेथड होता है ये फॉरेस्ट के अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे अगर गांव के आसपास अगर हमने आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगा रखा है तो उसके अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ओक्युलर मेथड। क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट के अंदर भी जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कोई हमने फॉरेस्ट के अंदर ट्री देखा और उसका हम अनुमानित ऊंचाई बता देते हैं, तो वो हमारे ये ओक्युलर मेथड के अंदर आता है, ठीक है ना। इसके हानि की बात करें तो इसकी पहली हानि हो जाएगी ऊंचाई की सही गणना
इसके अंदर क्या होता है तो ऊंचाई की सही गणना नहीं हो पाती है। अब ऊंचाई की सही गणना नहीं हो पाती है तो जो हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के हमने फॉरेस्ट लगाए थे, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, तो ऊंचाई की सही गणना नहीं हो पाती। और अगला हो जाएगी उद्देश्य की, जिस उद्देश्य के लिए हमने लगाया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती, ठीक है ना। अगर हमने इस ओक्यूलर मेथड के आधार पर वृक्ष की ऊंचाई का मापन किया और ऊंचाई के मापन करने के बाद में उसको कट कर दिया, काट दिया उस वृक्ष को, तो जिस उद्देश्य के लिए हमने वो वृक्ष लगाए हैं वो उद्देश्य की हमारी पूर्ति नहीं हो सकती। क्योंकि हो सकता है कई सारे ऐसे वृक्ष होंगे जिनको हमने अनुमानित ऊंचाई के आधार पर उनको काट देते हैं, और काटने के बाद में हो सकता है उसके अंदर जो भी टिम्बर है वो मैच्योर नहीं हुआ पूरी तरह से। हो सकता है अगर हमने पेपर के लिए उन वृक्षों की कटाई की तो हो सकता है उसके अंदर जो भी रेसे हैं वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाए हैं, तो वो जिस उद्देश्य के हमने लिए लगाए हैं उन उद्देश्यों की सही तरह से पूर्ति नहीं हो पाती। होती तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, और इसके कारण से हमें क्या होता है तो आर्थिक नुकसान होता है। हमें क्या होता है आर्थिक नुकसान होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ओक्यूलर मेथड होता है। ओक्यूलर मेथड के अंदर मैंने आपको जो मैकेनिज्म बताया उसी के आधार पर ये मैंने पॉइंट बनाए हैं। इन पॉइंटों का आप वो मैकेनिज्म याद रखना तो आप पॉइंट ऑटोमेटिक आप स्वतः बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये ओक्यूलर मेथड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न इनसे बनने की प्रबल संभावना रहती है, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा मेथड होता है वो ओक्यूलर मेथड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े अब, तो अब अगला जो हमारा मेथड होगा वो होगा हमारे, अगला जो हमारा हाइट मेजरमेंट का जो मेथड होगा वो होगा नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है ना। कौन सा मेथड होगा तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अगली हेडिंग डालना आप नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड हाइट मेजरमेंट के अंदर, वो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, और पर्टिकुलर इस टॉपिक से प्रश्न ये बनता है कि वृक्ष के ऊंचाई मापन की गैर उपकरणीय विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 100% आता है, इसको रट के चले जाना, चाहे आप कैसे भी रटो, समझ के रटो या फिर अपने हैंड राइटिंग के माध्यम से रटो, किसी भी प्रकार से रटकर उसको एग्जाम के अंदर आपको याद करके जाना ही है जाना, ठीक है ना, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन बनता है। अगला जो हमारा मेथड होगा वो नंबर सेकंड होगा, उसका नाम हो जाएगा नॉन इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है ना, नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। और ये जो इस टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं वो हर वर्ष किसी न किसी प्रकार से प्रश्न को घुमाकर वही प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है हमको। और ये आपको और कोई मेथड याद हो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला मेथड तो आपको याद करके जाना है, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में गैर उपकरणीय, गैर उपकरणीय विधि के नाम से जानते हैं, गैर उपकरणीय विधि के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। गैर उपकरणीय विधि के नाम से जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। गैर उपकरणीय विधि इसके अंदर हम सॉरी एक मिनट, हाँ, तो गैर उपकरणीय विधि के अंदर हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं लेते हैं, यानी कि हम किसी भी प्रकार का इसमें यंत्र काम में नहीं लेते हैं, और बिना यंत्र की सहायता से हम वृक्ष की ऊंचाई का मापन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी तीन मेथड है, वो हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, शेडो मेथड आता है, एक आता है पेंसिल मेथड, और एक आता है सिंगल पोल मेथड। इन तीनों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेडो मेथड से, कौन से मेथड से, इसके अंदर हो जाएगा हमारा पहला जो मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा शेडो मेथड, या इसी को हम बोलते हैं छाया विधि। क्या बोलते हैं इसी को हम? छाया विधि के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना, छाया विधि। इसके बारे में हमको विस्तार से जानकारी पता होनी चाहिए, इसको कैसे निकालते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, वो हम सभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जो मैकेनिज्म है, किस प्रकार से हम शेडो मेथड की सहायता से वृक्ष की ऊंचाई का मापन करते हैं, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म समझेंगे, उसके बाद में इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो शेडो मेथड के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें एक वृक्ष की छाया उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वृक्ष बना रहा हूँ और उसकी छाया भी मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। उसके आधार पर ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक हमारा ये वाला, तो इसका जो भाग होगा ये हो जाएगा इसका धरातल, ठीक है ना। ये इसका जमीन सतह है और यहाँ पर एक वृक्ष लगा हुआ, ठीक है ना, ये इसका वृक्ष है। अब क्या करना है, तो अब यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। आप सभी इधर ध्यान देना, अपने कॉपी और पेन को थोड़ी देर के लिए नीचे रख देना, सभी इधर ध्यान देना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तो इस मेथड में क्या होता है, तो इस मेथड में वृक्ष की जो छाया बनती है उसके आधार पर वृक्ष की ऊंचाई का हम मापन करते हैं। वृक्ष की छाया किस प्रकार से बनती है वो सारा हम देखते हैं, ठीक है ना। ये एक हमारा वृक्ष हो गया, और इस वृक्ष का क्या होगा, तो इस वृक्ष के जिस तरफ वृक्ष है उसके ऑपोजिट साइड में, तो मान लीजिए ये वृक्ष इधर है पूर्व दिशा की तरफ, मान लीजिए इसको
तो वृक्ष क्या होगा, तो उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में क्या होगा, यहाँ पर सूरज होगा, ठीक है ना, सूरज होगा। और सूरज होगा तो सूरज की जो किरणें होंगी सुबह सुबह, जनरली हम देखते हैं जो प्रातःकाल के समय जो सूरज निकलता है, सूरज जैसे ही किसी वृक्ष के ऊपर से निकलता है तो उसकी छांव है जो वो एक एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ जाती है। तो मान लीजिए ये सूरज की जो किरण है वो इस तरफ जा रही है, ठीक है ना, सूरज की जो किरण है वो हालांकि सभी दिशाओं में फैल रही है लेकिन इस वृक्ष के ऊपर ये सूरज की किरणें इस तरह से आ रही है, ठीक है ना, इस वृक्ष के ऊपर ये सूरज की किरणें इस प्रकार से गिर रही हैं, प्रकाश इस प्रकार से गिर रहा है। अब जैसे ही किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर अगर सूर्य का प्रकाश गिरता है या लाइट गिरती है तो उसकी परछाई बनती है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए ये एक मेरा पेन है, अब इस पेन के ऊपर मान लीजिए ये इसको एक वृक्ष मान लीजिए, अब ये वृक्ष इस प्रकार से खड़ा है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से खड़ा है। तो सुबह के समय जनरली क्या होगा, अगर ये सूर्य का जो सूरज है उसकी छाया इसके ऊपर पड़ेगी तो इसके पैरेलल यानी कि समानांतर इस प्रकार से एक कोण बनाते हुए इसकी छाया हमको दिखाई देगी, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से ये छाया बनती है। तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश इस वृक्ष के ऊपर गिरता है तो वृक्ष का जो पूरा जितना क्षेत्रफल होगा वो क्या करेगा, तो इसका जो टॉप पॉइंट जो होगा, टॉप पॉइंट मान लीजिए वृक्ष का टॉप पॉइंट ये है, यहाँ से लेकर जहाँ पर मैं डैश डैश लाइन बना रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ तक क्या होगा, ये पूरा इसका जो ये कवर जो हो रहा है पूरा ये धरातल होगा, इस धरातल को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से बना दिया। और ये मान लीजिए जैसे ही छाँव जो सनलाइट होती है वृक्ष के ऊपर गिरती है तो वृक्ष के ऊपर गिरने के बाद में इस वृक्ष की जो छाया बनती है वो इस पॉइंट तक जाती है, कौन से पॉइंट तक जाती है, इस पॉइंट तक जाती है। और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, और ये जो बीच बीच में आपको ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है ये पूरी जगह हो जाएगी हमारी, कौन सी हो जाएगी, ये वृक्ष की छाया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये वृक्ष की छाया हो जाएगी, सभी इधर ध्यान देना, ये वृक्ष की छाया हो जाएगी। अब वृक्ष की छाया हो जाएगी तो अब इसके आधार पर ये जो वृक्ष की छाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, इसके आधार पर हमको क्या करना है, वृक्ष की ऊंचाई का मापन करना, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो वृक्ष होता है उस वृक्ष का हमने ये वाला कौन सा टॉप पॉइंट था, यहाँ से सूर्य हमने ये बनाया छाँव का एक, हमने डैश डैश करके कहाँ तक जा रही है वहाँ तक उसका लास्ट पॉइंट था ये वाला, यहाँ तक हमने बनाया। तो मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये ए पॉइंट हो जाएगा। अब इस वृक्ष का हम क्या करेंगे, एक पैरेलल समानांतर इसके एक लाइन बनाएंगे। तो मान लीजिए ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई हम कौन से बिंदु से निकालेंगे, जमीनी लेवल से, ग्राउंड लेवल से लेकर जो वृक्ष का जो टॉप पॉइंट होगा वहां तक निकालेंगे। तो वृक्ष का टॉप पॉइंट मान लीजिए वृक्ष का सेंटर में है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन और यहां पे ऐसे डैश डैश बना देंगे, ठीक है ना। तो एक प्रकार से मान लीजिए हमारे क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है ना, कौन सा बन गया, त्रिभुज बन गया। इसको हमने ए नाम दिया, तो इस वाले बिंदु को हमने बी नाम दिया और इस वाले बिंदु को हमने क्या नाम दिया, सी नाम दिया। इतना तो समझ में आया है। तो अब नेक्स्ट और थोड़ा और आगे बढ़े, और ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है कौन से एंगल पर बन रही है, ये बन रही है हमारे 90 डिग्री के एंगल पर बनती है, कौन से एंगल पर बनती है, 90 डिग्री के एंगल पर बनती है। तो हम क्या करेंगे, अब ये एक हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की, क्योंकि हमें वृक्ष की ऊंचाई का मापन करना, तो हम क्या करेंगे, जो वृक्ष की जितनी छाया है, अब छाया कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर सी तक वृक्ष की छाया है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो ये बीच का जो गैप बचा हुआ है बी और सी, बी और सी के बीच में ये जो पूरी है ये हमारी क्या, एक छांव है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए ये एक हमारा वृक्ष हो गया, ये एक वृक्ष है। अब ये जो आपको छांव दिखाई दे रही है ना, ये वृक्ष था, और वृक्ष की जो छांव थी वो जनरली कहां पर गिरेगी, जमीन पर गिरेगी, क्योंकि छांव हमेशा धरातल पर रहती है। तो वृक्ष की जो छांव थी ये इस प्रकार से थी, तो इस प्रकार से थी। तो मान लीजिए ये वाला पूरा हो गया हमारा बी और सी हो गया, तो ये बी और सी के हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फीता होता है या इंच टेप होती है उसको हम क्या करेंगे, इसकी जो जहां तक ये परछाई जा रही है वृक्ष की, जहां तक वृक्ष की छाया है परछाई जा रही है, इस परछाई को हम क्या करेंगे, इंच टेप से या फिर जो भी हमारा फीता होगा उससे हम इसको नाप ले लेंगे। उससे हमने क्या किया, माप ले लिया बी और सी का, हमने बीच में नाप लिया। अगर फीता की सहायता से अगर हम नाप लेते हैं तो मान लीजिए ये आती है मान लीजिए हमारा 20 मीटर कितना आता है, ये हमारा 20 मीटर आता है। ये जनरली हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया था, जो सूरज था, सूरज की लाइट इसके ऊपर गिर रही थी वृक्ष के ऊपर, और जैसे ही वृक्ष के ऊपर गिरती है लाइट तो इसकी एक परछाई बनती है, शेडो बनता है। उस शेडो को हमने क्या किया, एक पॉइंट नाम दे दिया, अंतिम पॉइंट यहाँ तक जा रही थी शेडो, वृक्ष की जो लास्ट का जो शेडो का जो लास्ट वाला पॉइंट था वो सी पॉइंट था, और बी हमने नाम दिया क्योंकि टॉप पॉइंट से लेकर ग्राउंड लेवल के बीच का जो हाइट था उसको हमने बी नाम दिया। अब इसमें से बी और सी के बीच की जो दूरी थी वो हमने फीते या फिर हम इंच टेप से नापा, तो ये आया हमारे मापने पर आया हमारे 20 मीटर, ठीक है ना, 20 मीटर है। और अब हमें क्या करना है, ये तो पूरा हमारे कुछ भी नहीं किया हमने, केवल जो सूरज और वृक्ष की छाया बनी थी उसके आधार पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। उसके बाद क्या करना है, तो हमें क्या करना है, एक पोल लेना है, एक लकड़ी का खंभा लेना है या फिर बांस का एक छोटा सा पोल लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना उसकी ऊंचाई ले रहे हो। मान लीजिए आपने एक खंभा लिया या सॉरी एक मान लीजिए आपने एक लकड़ी का डंडा लिया, ठीक है ना, एक लकड़ी का डंडा लिया, लकड़ी का डंडा आपने लिया, उसको इसी का जैसा हमने ये बना रखा ना उसी के समानांतर बनाना, ठीक है ना। एक लकड़ी का डंडा लिया आपने और उस लकड़ी के डंडे की ऊंचाई आपने रखी, ये एक लकड़ी का डंडा लिया, सभी अब इधर ध्यान देना, एक लकड़ी का डंडा लिया आपने, लकड़ी का डंडा लेने के बाद में क्या करोगे आप, उसकी हाइट आप मेजर करोगे। लकड़ी का डंडा लिया आपने और उस लकड़ी के डंडे को आपको इंच टेप से, जैसे हमने यहाँ पर उसकी लंबाई मापी थी छाया की, उसी प्रकार आपको भी क्या करना है, जो लकड़ी का डंडा लिया उसके आपको हाइट मापनी है। तो मान लीजिए ये आए हमारे
तीन मीटर हमारी यह लकड़ी के डंडे की लंबाई आई, ठीक है ना। इसको हमने नाम दिया ए बी सी, इसको हम नाम देते हैं डी, ठीक है ना। इसको हमने डी नाम दिया, इसको हमने ई नाम दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लकड़ी का डंडा था, इस लकड़ी के डंडे को हमने खड़ा किया, ये इस प्रकार से लकड़ी का डंडा ये इस प्रकार से खड़ा है, और सूरज की किरण क्या है, तो सूरज इसके ऊपर है, ठीक है ना। और सूरज की किरण इसके ऊपर है, तो जैसे ही सूरज की किरण इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी जो परछाई है वो परछाई कहाँ से जाएगी, इस तरह से जाएगी इसकी परछाई, ठीक है ना। तो इसकी परछाई यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ तक जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी आपस में इस प्रकार से मिला लेंगे, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा एफ बिंदु, और ये बीच की जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये जो छाया है ये भी छाया है, और ये छाया किसकी है, तो ये जो हमने डंडा लिया था या पोल, जो हमने लकड़ी का पोल लिया था या बांस का पोल लिया था, उसकी ये छाया है। और ये छाया कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से लेकर ई से लेकर एफ तक इसकी छाया है। और ये जो आपको ये तीन मीटर इसकी जो ऊंचाई दिखाई दे रही है, ये वाली क्या हो जाएगी, तो ये जो हमने पोल लिया था उसकी लंबाई कितनी है, तीन मीटर है, और तीन मीटर लंबाई है। उसके बाद में हमने क्या किया, जो ई और एफ है, जो ई और एफ किसको डिनोट कर रहा है, ये जो पोल था उसकी ये छाया है, ठीक है ना। इसकी ये छाया है, और इसकी छाया को हमने क्या किया, जैसे यह एफ तक जा रही है, तो हमने इसको भी जैसे इस तरह इसमें हमने नापा था इंच टेप से, फीते की सहायता से, तो मान लीजिए इसकी जो हमारी ई और एफ की जो टोटल लंबाई आई छाया की, वो आई थी हमारे मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है ना। ये आए हमारे 5 मीटर। अब हमको क्या करना है, इसकी तुलना जो हमारा ये पोल लिया था हमने, इसकी तुलना हमको इसके सापेक्ष करनी है। इसके सापेक्ष कैसे करनी है, तो हमें क्या करना है, जो डी और ई है, डी और ई के बराबर हमें रखना है ए और बी को, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या ज्ञात करना है, ए और बी ज्ञात करना है, और इसके अंदर हमें डी और ई ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, डी और ई के सापेक्ष हम रखेंगे ए और बी को, और ई और एफ के सापेक्ष हम रखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं डी और ई के बराबर हम रखेंगे ए और बी को, और बी और सी के बराबर रखेंगे हम ई और एफ को, या फिर कह सकते हैं ई और एफ के बराबर बी और सी को रखना है, और डी और ई के बराबर हमें रखना है ए और बी को रखना है। अब इसका हमें कैलकुलेशन करनी है, और हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें ये ए और बी ज्ञात करना है, बाकी हमारे पास सभी के मान है, हमारे पास में डी और ई के मान है, ई एफ का मान है, और बी और सी का मान है, और हम क्या निकालेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। तो इसके लिए एक समीकरण बनेगा, वो समीकरण हमको पता होना चाहिए, वो समीकरण कैसे बनता है वो अब हम देखते हैं। तो अब वो समीकरण क्या बनेगा, तो ए और बी, ये ए और बी है, इसको हमें किसके सापेक्ष लेना है, डी और ई के सापेक्ष लेना, ठीक है ना। सभी इधर ध्यान देना, तो एक हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन होगी, वो उस कैलकुलेशन पर ध्यान देना, ए और बी, ठीक है ना। ए और बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इक्वल, इसके इक्वल में क्या रखना है, डी और ई रखना है, इसके इक्वल में डी और ई रखना है, और बटा हो जाएगा बी और सी, ठीक है ना। बी और सी के इक्वल में क्या रखना है, ई और एफ रखना है, क्या रखना है, बटा ई और एफ, ठीक है ना। या फिर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, एक कॉमन इक्वल का चिन्ह ले लेते हैं। अब ए और बी हमें ज्ञात करना है, बी और सी का वैल्यू हमको पता है, और डी और ई का वैल्यू भी हमको पता है, ई और एफ का वैल्यू भी हमको पता है। तो अब इसमें क्या करना है, हमको मान रखना है, मान रखेंगे तो ए बी तो हमें ज्ञात करना ही है, ए बी हमें ज्ञात करना है, इक्वल हो जाएगा, ये इधर किसमें है, ये इधर हमारे भाग में है, तो बराबर को उस साइड जाएगा, तो किसमें आ जाएगा, ये हमारे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये जो बी और सी है, ये इधर नीचे हमारे बटे के अंदर है, यानी भाग में है, अगर ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी ई इंटू बी सी अपॉन ई एफ, ई एफ हो जाएगा हमारे ई एफ, ठीक है ना। ये एक हमारे कैलकुलेशन बन गया। अब इसके अंदर ये मान रख दीजिए, ए बी इक्वल हो जाएगा, डी ई की वैल्यू कितनी है, डी और ई की वैल्यू है हमारे 3 मीटर, इंटू हो जाएगी बी और सी की वैल्यू है 20 मीटर। सभी को समझ में तो आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे ई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई एफ की वैल्यू हो जाएगी हमारे 5 मीटर, कितनी हो जाएगी 5 मीटर। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, ये 5 से कट रहे हैं, 5 × 5 = 20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 × 4, तो ए बी इक्वल कितना जाएगा, 12 मीटर, ठीक है ना। कितना जाएगा, 12 मीटर, यानी कि ए और बी का जो मान आएगा, ये वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप जो ये लंबाई माप रहे हो बी और सी और इस वाले की, अगर जो बोल लिया था उसकी, अगर आप लंबाई किसी में भी मेजर कर रहे हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, यूनिट हमेशा एक जैसी लेनी है। अगर आप यूनिट मीटर में ले रहे हो तो मीटर में लेनी है, अगर आप यूनिट आप अगर यूनिट सेंटीमीटर में ले रहे हो सेंटीमीटर में लेनी है, फीट में ले रहे हो फीट में लेनी है, फुट में लेनी है ले रहे हो तो फुट में लेनी है, सीजीएस पद्धति में ले रहे हो तो सीजीएस पद्धति में लेना। हमेशा याद रखना है कि यूनिट हमेशा हमको केवल एक जैसी लेनी है, ये नहीं कि आप ये वाली यूनिट तो आप मीटर में लिख रहे हो, ये वाली सेंटीमीटर में लिख रहे हो, पोल की जो लंबाई है वो फीट में लिख रहे हो, तो वो आपके सही से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम शैडो मेथड की सहायता से वृक्ष की ऊंचाई का मापन करते हैं। तो ये पूरा इसका मैकेनिज्म होता है, और जो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की उसी के आधार पर आपको इसका विधि लिखना है, ठीक है ना। विधि कैसे क्या लिखना है, तो मैं अभी आपको बोल के बता देता हूँ। और इस वृक्ष की जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, तो वो हमारे 12 मीटर आएगी, कितनी आएगी, तो 12 मीटर आएगी, ये हमें पता होना चाहिए। कितनी आएगी ऊंचाई, 12 मीटर आएगी, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, 12 मीटर आएगी, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। जिसका जो पूरा जो मैकेनिज्म है वो इसी प्रकार से कंप्लीट होगा, ये हमको याद रखना, ठीक है ना।
तो इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, तो ये प्रैक्टिकली टॉपिक है, अगर इसका अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो और अच्छे से हमें समझ में आ पाता है। लेकिन अब डिजिटल सेशन के अंदर हम किस प्रकार से यहाँ पर एक वृक्ष लेके आए उसका हम प्रैक्टिकल किस प्रकार से कराएं, इसका अगर हो सके तो जब मैं मेरे गांव जाऊँगा तब मैं इसका प्रैक्टिकल करके इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उस समय आप देख लेना उसको, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म याद रखना, सबसे पहले क्या करना है, तो वृक्ष रहेगा, वृक्ष को हमें क्या करना है, तो जहाँ तक वृक्ष की छाया जाए, वृक्ष की जहाँ तक जमीन के समानांतर वृक्ष की जहाँ तक छाया जाए वहाँ पर उस पॉइंट को नोट करना है और उस पॉइंट को स्पेसिफिक नाम दे देना, कोई भी आपका अकॉर्डिंग नाम देना है। और उसके नाम देने के बाद में हमें क्या करना है, जहाँ तक छाया जा रही उस छाया का अंतिम बिंदु से लेकर जहाँ तक वृक्ष है वहाँ के बीच की हमें लंबाई का नापन करना है। मापन करने के बाद में उसको हमें नोट करना है। उसके बाद में हम क्या लेंगे, एक छोटा सा पोल लेंगे और पोल की हमें लंबाई लेनी है और उसी को वृक्ष के समानांतर खड़ा कर देना है। जिस प्रकार से वृक्ष खड़ा है उसी प्रकार हमें उस पोल को भी खड़ा करना है, पोल की लंबाई नाप लेना है हमको। लंबाई लेने के बाद में सेम उसको खड़ा करेंगे, जैसे वृक्ष की परछाई जितनी ज़्यादा जा रही थी वैसे के वैसे पोल की परछाई भी जाएगी और पोल की जो परछाई होगी उसको भी हमें मेजर करना है और उनको पॉइंट में नाम देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो दोनों को तुलना करनी है हमें, यानी कि अगर ए बी है तो इसमें भी हमें ए बी के बराबर डी ई रखना है और बी सी के बराबर बी सी ई एफ रखना है, क्योंकि जिस प्रकार से इस वृक्ष के अंदर छाया की सहायता से ये जो संरचना बन रही है उसी प्रकार सेम पोल की भी संरचना बन रही है। ये भी हमारे एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है और दोनों हैं छोटे लेकिन दोनों समकोण त्रिभुज है, तो दोनों के आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी कि ए बी बराबर होती है तो डी एफ बी डी ई भी बराबर होगी। ये समकोण त्रिभुज का नियम होता है कि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी ए बी बराबर है तो उसके डी ई भी बराबर होगा, ई एफ के बराबर बी सी होगा। तो उसके आधार पर हमने ये पूरा मान निकाला और कैलकुलेशन की, तो हमारे ए बी की जो ऊंचाई है वो आई हमारे 12 मीटर, यानी कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 मीटर हो जाएगी। ये इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है ना। इसके एडवांटेज की बात करें हम, यदि इसके शेडो मेथड के बेनिफिट्स क्या होंगे, लाभ क्या होंगे, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, ये जो शेडो मेथड से हम ऊंचाई का जो मापन करते हैं या तो हम सुबह के समय कर सकते हैं या फिर शाम के समय कर सकते हैं, क्योंकि सुबह और शाम के समय ही जो सूरज होता है उसकी परछाई, वो जैसे सनलाइट वृक्ष के ऊपर गिरती है तो उसकी जो छाया होती है वो दूर तक जाती है, और दिन के समय में जनरली दोपहर के समय में यह छाया की सहायता से हम ऊंचाई का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय छाया बहुत ही कम बन पाती है, ठीक है ना, और उससे सही गणना नहीं हो पाती। तो उसके बेनिफिट क्या होंगे, पहला बेनिफिट हो जाएगा कम खर्चीली विधि है, ठीक है ना। नंबर सेकंड हो जाएगा जो इसमें जो मापन है, मापन में कम समय लगता है। नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर कोई भी व्यक्ति ऊंचाई ज्ञात कर सकता है। ये नहीं है कि इसके लिए हमें पर्टिकुलर एक्सपर्ट को लाना होगा। अगर हमें ये इसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म पता है तो गांव का अगर कोई भी किसान होगा या फिर छोटा बच्चा भी इससे हम वृक्ष की ऊंचाई का मापन कर सकते हैं। इसके लिए हमें इतना भारी एक्सपेरिमेंट की करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं एक्सपर्ट की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर थोड़ा बहुत भी इसके बारे में हम जानकारी पूरा रखते हैं तो उसके सहायता से हम इसकी ऊंचाई का मापन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके प्रमुख बेनिफिट्स हो जाएंगे और बुक के अंदर देख लेना, बेनिफिट उसके अंदर भी दे रखे हैं। उसके बाद देखते हैं इसके हम क्या इसके डिसएडवांटेज है या क्या इसकी हानि है, ठीक है ना। हानि की बात करें तो पहली हानि तो ये हो जाएगी कि इसमें हमें क्या होता है, सही गणना को हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, छाया से हम वृक्ष की ऊंचाई का मापन करते हैं, तो जैसे हम ये ऊंचाई का मापन कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है अगर हमें एक घंटा लग रहा है तो एक घंटे में क्या होगा, सूरज अब एक जगह स्थिर नहीं रहता है तो सूरज धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहता है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो जो वृक्ष की जो छाया है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो उससे हमारा सही कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। अगर सही कैलकुलेशन नहीं हो पाता है तो उसमें क्या होगा, हमारा जो भी उद्देश्य है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये कर रहे हैं, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो हमें आर्थिक नुकसान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आर्थिक नुकसान हमको ज़्यादा होगा, ये हमको पता होना चाहिए। इसकी हानियाँ होती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन सीमाएं भी होती है, वो भी हम देख लेते हैं। ये जो जनरली मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट उस मैकेनिज्म के बेस पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो अभी हमने मैकेनिज्म देखा था उसके बेस पर बता रहा हूँ। अब इसकी हम कुछ लिमिटेशन या सीमाएं देख लेते हैं, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं की बात करें तो पहली सीमाएं तो हो जाएगी इसकी
नंबर फर्स्ट इसकी जो लिमिटेशन होगी वो होगी इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर जो मौसम है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि बादल नहीं होने चाहिए, छाया अच्छे से होनी चाहिए, सनलाइट अच्छे से निकलनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं मौसमी समस्या ना हो। पहली जो इसकी सीमा होगी वो हो जाएगी मौसमी समस्या, यानी कि मौसमी समस्याओं के अंदर हमारे हो सकता है अगर जो सनलाइट अगर प्रॉपर नहीं निकल पा रही है तो उस केस में जो वृक्ष की जो छाया है वो सही से नहीं बनेगी। इसका तरीके से हम बात करें अगर बादल आ जाता है तो बादल के समय में भी वृक्ष की छाया नहीं बन पाती है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन हो जाएगी। अत्यधिक तीव्र हवा जो चलती है उसके अंदर भी हम वृक्ष के ऊंचाई का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि तीव्र हवा चलेगी तो उसके अंदर जो सनलाइट आ रही है उसमें अवरोध उत्पन्न होगा और जिसकी वजह से यह हमें ऊंचाई का मापन करने में परेशानी आएगी, ठीक है ना। तो समस्या का उत्पन्न हो जाएगी, पहली सीमा हो जाएगी मौसमी समस्या ना हो। इसके अतिरिक्त हो जाएगा वन में ऊंचाई ज्ञात करना संभव नहीं, वन में ऊंचाई ज्ञात करना संभव नहीं। वन के अंदर इसमें क्या होता है, तो जो फॉरेस्ट होता है जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कैनोपी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, उस केस में क्या होता है तो शेडो मेथड से हम ऊंचाई का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है तो एरिया बहुत कम होता है, जो फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन वहाँ पर वृक्षों की सघनता बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जैसे सनलाइट वृक्षों के ऊपर गिरती है तो वो जो सनलाइट जो होती है वो उसके अंदर ओवर ड्रॉप होने लग जाती है और उस केस में हम वृक्षों की ऊंचाई का मापन नहीं कर सकते। तो इस केस में जहाँ पर वृक्षों की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो सनलाइट होती है वो प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है और प्रॉपर पहुँच पाती है लेकिन पहुँचती भी है वो, तो उस केस में क्या होता है जो वृक्षों की ऊंचाई ज़्यादा होती है वो छोटे वृक्षों के ऊपर परछाई डालकर उनके प्रॉपर वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, उस केस में छाया होती है जो प्रॉपर नहीं बन पाती है और उस केस में हम वृक्ष की ऊंचाई का मापन नहीं कर सकते, तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन होती है। नंबर थर्ड बात करें इसके अंदर, तो नंबर थर्ड जो लिमिटेशन हो जाएगी वो हो जाएगी इसमें और इसमें जो नंबर थर्ड हो जाएगी इसमें सही गणना नहीं हो पाती, ठीक है ना। हालांकि ये एक हमारा इसमें डिसएडवांटेज का पॉइंट है, लेकिन ये इसमें लिमिटेशन में भी आ जाएगा क्योंकि इसमें सही गणना नहीं हो पाती, क्योंकि प्रॉपरली इसके अंदर हमें इसके अंदर जो एक्सपर्ट जो व्यक्ति होता है वही इसमें एग्जैक्ट ऊंचाई का मापन कर सकता है, तो उसके इसमें सही गणना नहीं हो पाती और हमें इकोनॉमिक जो लॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये इसकी लिमिटेशन होती है और इसका जो इसके एडवांटेज जो मैंने बताया था आपको, कम खर्चे लिए मापने में कम समय लगता है, ठीक है ना, और कोई भी व्यक्ति ऊंचाई ज्ञात कर सकता है। इसमें एक पॉइंट और मेंशन कर देना आप, इसके अंदर एक पॉइंट और मेंशन करना आप, यह जो मेथड होता है यह विधि बगीचे में उपस्थित वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने में सही है, यानी कि मान लीजिए हमने कोई फॉरेस्ट तो नहीं लगा रखा, लेकिन जो भी हमारे घर होते हैं उनके अगर उसके आसपास हमने कोई बगीचा बना रखा है या फिर जो हमारा फील्ड होता है खेत होता है उसके आसपास अगर कोई वृक्ष है और उसके हमें टिम्बर बेचना है तो उसके लिए हम उसके प्रॉपर हम हाइट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड के अंदर जनरली क्रॉप को ग्रो करवाते हैं और वहाँ पर आसपास जो मेड़ होती है वहाँ पर केवल एक या दो वृक्ष होते हैं, तो उस केस में हम इस मेथड की सहायता से वृक्ष की ऊंचाई का अनुमान आसानी से सरलतापूर्वक लगा सकते हैं। तो ये होता है हमारा शेडो मेथड से हाइट मेजरमेंट। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इतनी मेहनत में कर रहा हूँ तो इतना छोटे से मेहनत तो आप भी कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा शेडो मेथड, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम सिंगल पोल मेथड की तरफ लौटते हैं। अब इसके अंदर हम नंबर सेकंड जो मेथड देखते हैं सिंगल पोल मेथड के बारे में हम चर्चा करने वाले। ये जनरली जो मेथड है वो जनरली हमारे दिन के समय में किया जाता है। कब किया जाता है, तो दिन के समय में किया जाता है और हो सकता है कि हम नाइट में भी अगर हम वृक्ष की ऊंचाई का मापन करना चाहें तो वो भी हम बिना उपकरण की सहायता से कर सकते हैं। वो अगला जो मेथड होगा वो हमारा सिंगल पोल मेथड होगा। कौन सा होगा? सिंगल पोल मेथड, ठीक है ना, वो मेथड होगा हमारा सिंगल पोल मेथड। तो अगला जो मेथड होगा उसका नाम डालिएगा सिंगल पोल मेथड। अगला जो मेथड होगा वो हो जाएगा सिंगल पोल मेथड। सिंगल पोल मेथड, सिंगल पोल मेथड में हमें क्या करना है, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक पोल लेना है, जो हमने पोल वैसा लिया था वैसा पोल लेना है। इसमें क्या करना है हमें, तो उसमें क्या करना है हमें सिंगल पोल के अंदर, तो ये हमारा एक वृक्ष हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा ये धरातल होगा, ठीक है ना, ये हमारा एक वृक्ष हो गया, ठीक है ना, ये हमारा एक वृक्ष हो गया। और हमें क्या करना है, तो एक पोल लेना है। पोल के लिए हम क्या करेंगे, पोल की जो ऊंचाई है वो आपके आधार पर डिपेंड कीजिएगा, आप किसी भी ऊंचाई का ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक पोल लिया यहाँ पर, ये मैंने पोल लिया, जो इसकी जो ऊंचाई है वो हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 मीटर,
ठीक है ना, जो मैंने पोल लिया है वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी 2 मीटर। अब हमें क्या करना है, तो इस पोल को इस प्रकार से पकड़ना है कि हमें क्या करना है, जो ये पोल है इस पोल को इस प्रकार से पकड़ना है कि हमें जो ये वृक्ष है इस वृक्ष को इस प्रकार से देखना है कि हमें जो ये वृक्ष है, वृक्ष का जो अंतिम जो टिप पॉइंट जो है, मान लीजिए ये इस वृक्ष का, ठीक है ना, ठीक है ना, ये एक वृक्ष है। अब हमें क्या करना है, तो इस वृक्ष की ऊंचाई का मापन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने पोल लिया, पोल लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इस पोल को हम इस डायरेक्शन में पकड़ेंगे। मान लीजिए इस जो ये पोल है, इस पोल को हम इस डायरेक्शन में पकड़ेंगे और उस दिशा इस डायरेक्शन में पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो इसका जो अंतिम बिंदु जो ये है, जो इसका जो ये अंतिम बिंदु है ये इसका पोल का, इस पोल को हम क्या करेंगे, ऐसे देखते जाएंगे और ऐसे तिरछा देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये पोल है और पोल को देखते देखते मैंने पोल को देखना, ये पोल की ऊंचाई मैंने मान लीजिए 2 मीटर ली थी और मैंने पोल को देखना यहाँ से स्टार्ट किया, यानी कि पोल का जो ये मान लीजिए पोल मैंने यहाँ बनाया और ये पोल है जिसकी ऊंचाई, सॉरी इसकी जो लंबाई है 2 मीटर है, और मैंने क्या किया, पोल को यहाँ से हाथ से पकड़ रखा, ठीक है ना, यहाँ से पकड़ रखा है। और इसको पकड़ने के बाद में मैं क्या करूँगा, अब इस पोल को मैं उठाकर ले गया इस जगह, ठीक है ना, इस जगह उठाकर ले गया, और उठाकर ले जाने के बाद में मैं यहाँ पर इसको रखकर देखूंगा और पोल का जो ये वाला जो ऊपरी जो बिंदु है, इस ऊपरी बिंदु के सापेक्ष मैं इस बिंदु की सहायता से मैं वृक्ष का जो ऊंचाई का जो लास्ट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को देखने की कोशिश करूंगा, इस वाले पॉइंट को, जो वृक्ष का जो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को देखने की कोशिश करूंगा, किसके सापेक्ष, जो हमारा पोल है उसके सापेक्ष। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से देखना प्रारंभ किया, इस बिंदु से देखना मैंने प्रारंभ किया, यहाँ पर देखने के बाद मेरे को यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, थोड़ा मैं और आगे बढ़ा, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते मैं आया इस जगह पर आ गया, ठीक है ना, इस जगह पर आया, और इस जगह पर जब मैंने पोल को रखकर देखा, तो पोल को रखकर देखा, तो ये मेरा मान लीजिए ये मेरा एक पोल हो गया। अब सभी मेरी तरफ ध्यान देना, तो ये हो जाएगा मेरा पोल, ठीक है ना, और जैसे मैंने इसको ये ऐसे पकड़ रखा, ठीक है ना, ये जनरली जो पोल होता है ये कंधे के इस प्रकार सापेक्ष रखना है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखना है इसमें और कंधे में, और हमारा जो पोल होगा इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये मेरा हाथ है और ये जो आपको रेड कलर का ढक्कन दिखाई दे रहा है, यहाँ तक इसके सापेक्ष हॉरिजॉन्टल में पोल है और ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कहाँ पर बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है, ठीक है ना। और ये इस पोल की पूरी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो इसका जो ये मान लीजिए पोल है, अब इसका ये ऊपरी जो बिंदु है इसको मैंने यहां पर रखा, और ऊपरी बिंदु को यहां पर रखने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसके जो ऊपरी बिंदु है इसके सापेक्ष में इसको ऐसा करके तिरछा करके इस प्रकार से देखूंगा, तो देखने पर मेरे को यहां पर पता चलेगा कि ये आपस में बिंदु आपस में मिल रहे हैं और यहां पर जाकर ये एक तरह से एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ये यहां से लेकर यहां तक एक एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब ये पोल था हमारा, इस पोल पर मैंने इसको किस प्रकार से देखा, इस प्रकार से देखा, ठीक है ना, जो मेरी नज़र थी वो मेरे इस प्रकार से थी और ये जो थी ये बिल्कुल इस प्रकार से थी, यानी कि मेरे को मैं इस बिंदु की सहायता से जो वृक्ष का जो अंतिम बिंदु है, जहाँ पर वृक्ष की अधिकतम ऊंचाई है, उस वाले बिंदु को देख सकूँ, किसके सापेक्ष, इस पोल के सापेक्ष, ठीक है ना। अगर इस पोल के सापेक्ष मेरे को इस बिंदु पर आने के बाद में मेरे को पता चला कि वृक्ष की जो अंतिम ऊंचाई है वो यहाँ तक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा पोल यहाँ तक था, ये हमारा पोल था यहाँ तक आया था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये हमारा ए बिंदु हो जाएगा, ये बी बिंदु, और ये हो जाएगा हमारा सी बिंदु, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से लेकर वो बी और सी के बीच की जो दूरी होगी, बी और सी के बीच की दूरी को हम नाप लेंगे इंच या फीते की हिसाब से, और ये मान लीजिए हमारा आया 20 मीटर है, ठीक है ना, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी बी और सी के बीच में पोल की सहायता से, जो हमने इसके सापेक्ष यहाँ रख के जो पता किया था कि जो पोल का जो ऊपरी जो बिंदु था इसके सहायता से हमने वृक्ष का जो अंतिम बिंदु था ऊपर का हाईएस्ट जो पॉइंट था वो देखा, अगर वो यहाँ पर मिला इसके सापेक्ष में, ठीक है ना, तो इसके बीच में जितनी दूरी हमारे पोल का जो बिंदु है सी और वृक्ष का जो बिंदु है बी, इसके बीच की जो जितनी दूरी होगी वही क्या होगी, इस वृक्ष की ऊंचाई होगी, वही क्या होगी, इस वृक्ष की ऊंचाई होगी। तो मान लीजिए बी और सी के बीच की दूरी हमारी 20 मीटर आई है, तो ए और बी की जो वृक्ष की जो ऊंचाई होगी ये कितनी होगी, 20 मीटर होगी। और इसी पूरे मेथड को क्या नाम देते हैं, इसी पूरे मेथड को हम सिंगल पोल मेथड के नाम से जानते हैं, या एक पोल की सहायता से हमने पूरा मैकेनिज्म निकाला, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं सिंगल पोल मेथड के नाम से जानते हैं। या फिर हो सकता है इसका आप सिंगल पोल, यहाँ पर आप पोल ना लेकर एक कोई लकड़ी का डंडा ना ले, या फिर आप हो सकता है कोई भी लाइट लीजिए, टॉर्च जो होती है हमारी, उस टॉर्च को लेना है, वो टॉर्च को इस पर नाइट में क्या करना है, टॉर्च को चलाते हुए जनरली हम गांव में ऐसे घूमते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो टॉर्च को इस प्रकार से काम में लेना है कि हमें स्टार्ट यहां से करना है और टॉर्च को स्टार्ट चालू रखना है हमें टॉर्च को, और टॉर्च को चालू रखते रखते हमें इस प्रकार से लेकर जाना है कि मान लीजिए यहाँ सी बिंदु पर आए, और सी बिंदु से हम जैसे वृक्ष के ऊपर टॉर्च डालते हैं तो हमें उस टॉर्च का जो अंतिम बिंदु जो होता है वो वहाँ जाकर वृक्ष का जो अंतिम जो पॉइंट होता है वो वहाँ जाकर टच हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया ओवरऑल सिंगल पोल की सहायता था, अब यहाँ पर हो सकता है पोल ना लेकर अगर हम टॉर्च काम में लें तो बैटरी जनरली इस प्रकार से होती है, ठीक है ना, ये बैटरी होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से बैटरी होती है, ये बैटरी का, ठीक है ना, ये बटन है,
ठीक है ना, ये बैटरी का बटन है। अब यहाँ से ये लाइट लगी हुई है, अब ये लाइट क्या होगी तो ये पूरे प्रकाश में जाएगी, ठीक है ना, ये इधर अपना प्रकाश बिखेर रही है, ठीक है ना, ये लाइट जो टॉर्च है ये इस प्रकार से अपना प्रकाश बिखेर रही है, और प्रकाश बिखेर रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्टार्ट किया, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये यहाँ तक गई, यहाँ से स्टार्ट किया हमने इस वाले बिंदु से स्टार्ट किया तो ये यहाँ तक गई, और जैसे हम सी बिंदु तक पहुँचे, सी बिंदु तक पहुँचने पर ये वाला पॉइंट दिखाई दिया। अब ये टॉर्च है, इसी टॉर्च को आप इस पर कल्पना करना, ये मान लीजिए मैंने एक वृक्ष बना दिया इधर, ठीक है ना, ये वृक्ष बना दिया और ये जो टॉर्च गई ये एक वृक्ष हो गया, ठीक है ना। अब ये जो टॉर्च हमने क्या किया, ये इसका समानांतर बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, इसका समानांतर बिंदु हो गया, धरातल हो गया। धरातल होने के बाद में हमने क्या किया, इस टॉर्च को यहाँ से, जो ये टॉर्च है इसको थोड़ा मैं तिरछा बना देता हूँ, ये जो टॉर्च है ये टॉर्च मैंने यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है ना, ये एक टॉर्च थी, इस टॉर्च से ये लाइट निकल रही है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये लाइट निकल रही है। अब ये लाइट क्या करेगी, जो ये वृक्ष है, ये बिंदु था, यहाँ से मैंने टॉर्च स्टार्ट किया और यहाँ से ये लाइट है जो जो वृक्ष का जो अंतिम बिंदु है, वृक्ष का ये अंतिम बिंदु है, यहाँ पर जाकर इसको ये टच करता है, ठीक है ना, ये आगे जा रही है लेकिन ये जो ऊपरी बिंदु है यहाँ पर जाकर टच करता है, तो ये क्या बन गया, एक हमारे समकोण त्रिभुज बन गया। ये जो लास्ट वाली रेखा थी ये यहाँ आ रही है, ये इस प्रकार से धरातल हो गया और ये हमारा एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री के एंगल पर। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई थी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई थी ये मान लीजिए कितनी थी, 20 मीटर, ठीक है ना, तो ये वृक्ष की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल पोल मेथड बोलते हैं। मैंने दोनों तरह से समझा दिया क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि हम किसी भी वृक्ष की ऊंचाई केवल दिन के समय निकाल सकते हैं, नाइट के समय भी निकाल सकते हैं, तो हम पोल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से, और नाइट में हम लाइट की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट तो नहीं आती है, हो सकता है इसमें कुछ दो मीटर का फर्क आ जाए, लेकिन लगभग वृक्ष की जो ऊंचाई आती है वो लगभग यही रहती है। हो सकता है इसमें कुछ पॉइंटों में फर्क आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं आती, लेकिन एक्सपेक्टेड जो ऊंचाई आएगी वो यही आएगी, ठीक है ना। ये होता है सिंगल पोल मेथड। अब इसका जो पूरा मैकेनिज्म जिस प्रकार से मैंने समझाया वो पूरा मैकेनिज्म आपको समझना है, ठीक है ना। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो बेनिफिट क्या है, तो जो हमारे उसके थे शेडो मेथड के थे उसी प्रकार के इसके भी वही मेथड हो जाएंगे, वही जो हमारे शेडो मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे वही हमारे सिंगल पोल मेथड के हो जाएंगे। एडवांटेज हो जाएगा, इसमें कम खर्चीली विधि है और समय कम लगता है, इसी के साथ में कोई भी व्यक्ति कर सकता है क्योंकि इसमें क्या एक टॉर्च की आवश्यकता है या फिर एक पोल की आवश्यकता होती है। हानि की बात करें तो सही गणना नहीं हो पाती, आर्थिक नुकसान होता है, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, और इसमें भी सेम वैका वही सिस्टम रहता है कि जो इसकी लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन पहला तो जाएगी, वनों के अंदर इसको निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है, केवल हम बगीचे के अंदर ही निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिमिटेशन की बात करें तो जो आंधी तूफान जो चलते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत ये, इसमें आंधी तूफान में हम निकाल तो सकते हैं लेकिन जो अत्यधिक तीव्र जो अतिवृष्टि होती है उसके अंदर हम वृक्ष की ऊंचाई का मापन नहीं कर सकते, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। तो लिमिटेशन दोनों की सेम रहेगी और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी सेम रहेंगे। ये होता है हमारे शेडो मेथड और सिंगल पोल मेथड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नंबर जो थर्ड नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर जो नंबर थर्ड जो हमारा मेथड बचा हुआ है पेंसिल मेथड, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अगला जो मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर थर्ड पेंसिल मेथड। पेंसिल मेथड में क्या किया जाता है, तो पेंसिल मेथड ही बिल्कुल एज इट इज सिंगल पोल जो मेथड था उसके समान ही इसमें क्या किया जाता है, तो मान लीजिए ये एक वृक्ष है, ठीक है ना, ये एक वृक्ष है और इसमें क्या किया जाता है, तो ठीक है ना, इसमें क्या किया जाता है, तो जितना इसमें सूरज निकला हुआ रहता है इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें मेनली जितनी ज़्यादा जो वृक्ष होता है वृक्ष की जितनी ज़्यादा परछाई जितनी लंबी रहती है, मान लीजिए ये वृक्ष था, इस वृक्ष की जो परछाई है वो यहाँ तक आ रही है, जो ये वृक्ष है वृक्ष की जो परछाई होती है वो परछाई मान लीजिए यहाँ तक आ रही है, ठीक है ना, ये बिंदु ओ है, एक कोई भी बिंदु नाम दे दीजिए, यहाँ तक आ रही है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, तो ये वृक्ष है वृक्ष की परछाई यहाँ तक आ रही है, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो एक पोल लेते हैं या फिर लकड़ी का डंडा लेते हैं, लकड़ी का डंडा हमने मान लीजिए 50 मीटर वाला ले लिया, ठीक है ना, 50 मीटर वाला ले लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो 50 मीटर हमने पोल लिया, जो पोल की जो हमने लंबाई रखी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया हमारा 50 मीटर, ठीक है ना। अब इस पोल, ये 50 मीटर पोल था, अब हम क्या करेंगे, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट वृक्ष का जो मिड पॉइंट है यहाँ से लेकर जहाँ तक परछाई जा रही है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर जहाँ तक परछाई जा रही है वहाँ तक इस पोल से हम इसकी लंबाई नापेंगे, इसकी लंबाई हमने नापी मान लीजिए इस पोल से नापी, तो ये मान लीजिए लंबाई हमारे 20 मीटर लंबाई है, ठीक है ना, 20 मीटर लंबाई है, और उसके बाद में 30 मीटर बच गया, तो हम क्या करेंगे पेंसिल की सहायता से जहाँ पर 20 मीटर खत्म हो रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान लगा देंगे पेंसिल की सहायता से, ठीक है ना। 50 मीटर का हमारा पोल था, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारा 20 मीटर आ रहा है, ठीक है ना, तो 20 मीटर हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 50 मीटर का जो पोल है इस पोल को जो वृक्ष का जो मिड पॉइंट है वहाँ लाएंगे और इसको हम जो तना है इस तने के सापेक्ष इस प्रकार से खड़ा करेंगे, ठीक है ना,
इस प्रकार से खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में ये जहाँ तक ऊपर जाएगा तो उसका जो अंतिम बिंदु होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले से हमने 20 मीटर छाया के आधार पर निशान लगा रखा है पोल के ऊपर और इसको हम ऊपर निकलने देंगे। ऊपर निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, तो यहाँ ऊपर निकला और ऊपर निकलने के बाद में हम किसी एक ऐसे व्यक्ति को ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर थोड़ा दूर खड़ा कर देंगे दूरबीन लेकर उसको, और वो क्या करेगा तो इसको देखेगा और देखने के बाद में वो अनुमानित बता देगा कि यहाँ तक आ रहा है। अब इसको हम नीचे लाएंगे और नीचे लाने के बाद में इसका तो हमने नाप किया ही था, उसके बाद में हम क्या करेंगे तो इस पोल का भी हम क्या करेंगे तो यहाँ से इसको निकाल कर इसका भी हम मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में अगर सेम आती हैं 20 मीटर आती हैं या फिर 21 मीटर आती हैं तो वो जो ऊंचाई होगी वो वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। जितना परछाई आ रही है वहाँ पर निशान लगाना, निशान लगाने के बाद में हम क्या करेंगे इसको पैरेलल खड़ा करेंगे, समानांतर खड़ा करेंगे वृक्ष के, और जितना ज़्यादा वृक्ष की ऊंचाई होगी उतनी ज़्यादा इसमें छाँव में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वृक्ष की जो छाया है वो यहाँ तक आ रही है, ठीक है ना। तो वृक्ष की छाया यहाँ तक आ रही है तो हम इसको सामने जैसे इसके सापेक्ष खड़ा करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर निकला, ऊपर निकलेगा तो हमें परछाई में वो जो डंडा हमने पोल लिया था उसकी परछाई भी हमें यहाँ पर दिखने लग जाएगी, और अगर वृक्ष से ऊपर निकल गया तो ये परछाई हमें और वृक्ष की परछाई आगे की तरफ दिखाई देने लगेगी, और एक हम अनुमान के आधार पर बता देंगे कि वृक्ष की जो ऊंचाई है वो लगभग जितनी परछाई आ रही थी उतनी की उतनी वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं पेंसिल मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे हाइट मेजरमेंट के अंदर नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड और ओक्यूलर मेथड। ये इस प्रकार से हम इन मेथड के आधार पर हम वृक्ष की ऊंचाई का मापन आसानी एवं सरलतापूर्वक कर सकते हैं बिना किसी उपकरण के माध्यम से, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें से कंपटीशन एग्जाम के उद्देश्य से प्रश्न किस प्रकार से बनता है। तो कंपटीशन एग्जाम में केवल दो ही प्रश्न बनते हैं इन मेथड से, कि पहला तो आता है कि कौन सा गैर उपकरणीय विधि, जो वृक्ष ऊंचाई मापन की जो गैर उपकरणीय विधि है इनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो तीन नाम तो ये आते हैं, पेंसिल मेथड, शेडो मेथड, सिंगल पोल मेथड, और एक दे देगा ओक्यूलर मेथड। तो उसमें राइट हो जाएगा ओक्यूलर मेथड, ठीक है ना। और एक आ जाएगा, या फिर हो सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दे वो उसके अंदर नहीं होगा। कंपटीशन एग्जाम के अंदर यही प्रश्न बनते हैं, या फिर हो सकता है न्यूमेरिकल प्रश्न बन सकता है जो मैंने आपको शेडो मेथड के अंदर बताया था, उसके आधार पर आपको डायग्राम के अंदर बता देगी ये एक वृक्ष दे रखा है, ठीक है ना, इसकी 20 मीटर है और तो इसकी हमको फाइंड करनी है। इसी प्रकार एक पोल बनाकर दे दिया, ये 5 मीटर ये 6 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई का मापन कीजिए। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी बन सकता है, तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, लेकिन हमारे जो कॉलेज का जो एग्जाम है उसके अंदर केवल थ्योरी के अंदर ये प्रश्न आता है कि वृक्ष की ऊंचाई मापन की जो गैर उपकरणीय विधि है उनका सविस्तार वर्णन कीजिए चित्र से ही। तो ये प्रश्न आता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने का। अगर किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको समझाने की, अगर किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि होती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, हंसते रहिए और एंजॉय के साथ में पढ़ाई कीजिए। जय हिंद जय भारत।